Hey guys, welcome to Bonnie's Nation and you watching Bonnie Vlogs. I hope you guys are doing absolutely fine. आज मैं आ गया हूँ कुमारटुली में, साउथ दमदम आर्यन गुहर रोड कुमारटुली में। इधर बहुत बढ़िया बढ़िया गाइस काली प्रतिमा बन रहा है। शोभा बाजार का कुमारटुली का बहुत सारा वीडियो, काली प्रतिमा का वीडियो भी आप लोग देख चुके हो। इस पर साउथ दमदम का आर्यन गुहर रोड कुमारटुली में कैसा क्या काली मूर्ति मतलब काली आइडल प्रिपरेशन चल रहा है, चलिए देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। एक बहुत नया व्लॉग है गाइस, चलिए गाइस आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ न्यू मॉडर्न शिल्पा लॉय, शिल्पी औषित कुमार पाल। शानदार सा जैसे काली प्रतिमा देख पा रहे हो, बहुत ही यूनिक स्टाइल का काली प्रतिमा इस वाला स्टूडियो में बन रहा है। जैसे कि आप लोग देख, आप लोगों को बिष्णुपुर का टेरा माटी टेरा कोटा का जो देखिए गाइस काम होता है पूरा वैसा ही इस वाले मूर्ति में कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। टेरा कोटा का पूरा माटी होता है गाइस बिष्णुपुर का। देखिए गाइस शिव भगवान, इस तरफ देखिए गाइस असुर है। देखिए बॉडी से पूरा अलग किया गया है, पूरा कितना अच्छे तरीके से ये मतलब फिनिशिंग किया गया है। देखिए पूरा ओरिजिनल पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। और नीचे देखिए बहुत सारा आपका स्केलेटन स्टाइल का फेस, देखिए असुर। और जो कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख पा रहे हो गाइस बहुत ही शानदार, पहाड़ देखिए और मस्टर्ड कलर का और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है पहाड़ में, बहुत ही शानदार देखिए खूबसूरत। और जो थर्ड आई आप लोग देख पा रहे हो गाइस इस वाले मूर्ति का, बहुत ही यूनिक लग रहा है। देखिए निकल के आ रहा है और चाल चित्रों का जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखिए खूबसूरत। मैं तो आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। ऑल टोटल अगर आप लोग इस वाले मूर्ति का फ्रेम देखोगे तो बहुत शानदार लग रहा है। देखिए बहुत साधारण गाइज ये वाला मूर्ति जैसे कि शानदार लग रहा है कि स्टूडियो में बहुत ही शानदार सा मूर्ति जैसे कि बन रहा है। मैं सचमुच बोल रहा हूँ गाइज मतलब बहुत ही खूबसूरत, देखिए शानदार सा ये वाला मूर्ति कॉपर कलर का कम्बिनेशन ये वाले मूर्ति पे दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही शानदार लग रहा है। और देखिए गाइज देखिए बहुत ही खूबसूरत शिव भगवान आप लोग देख पा रहे हो। और देखिए गाइज कलर कॉम्बिनेशन देखिए खूबसूरत, पूरा मूर्ति आपका जो बन रहा है गाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए कलर का क्वालिटी बहुत शानदार है, आप लोग अगर सामने से नहीं देखोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बहुत ही महीन काम हुआ है। माँ काली का फेस एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत। देखिए थर्ड आई जो आप लोग देख पा रहे हो गाइस बहुत कलरफुल बनाया गया है। टोटल अगर मूर्ति का फेस आप लोग देखोगे मुखोशी बहुत ही शानदार और पूर्व लग रहा है गाइस, देखिए खूबसूरत। देखिए ऑल टोटल मूर्ति का फ्रेम देख लीजिए, आप लोग आँख नहीं हटा पाओगे, जैसे मैं आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत शानदार डिज़ाइन किया गया है फूल का, देखिए साइड से बहुत ही खूबसूरत, देखिए इस तरफ से। और ये जो मूर्ति बन रहा है गाइस पीछे आपका चाल चित्रों है, चाल चित्रों का शेप पूरा एक राउंड शेप में बनाया गया है जिससे ये मूर्ति का कम्बिनेशन और भी बढ़िया खिल रहा है। देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत, सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए असाधारण काम हुआ है गाइस, असाधारण। देखिए आप लोग आप फेस देखिए गाइस बहुत ही प्योर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए छोटा चीज़ भी आप लोग गलती नहीं पकड़ पाओगे इस वाले मूर्ति का, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए कलर कॉम्बिनेशन तो माशाल्लाह कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया हुआ है। मूर्ति जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। कलर कॉम्बिनेशन न्यूमरस मल्टी कलर्स इधर यूज़ किया गया है, देखिए बहुत ही शानदार चाल चित्र मतलब चाली जिसको बोला जाता है, पीछे आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही शानदार सा डिज़ाइन चाली चित्र बनाया गया है। देखिए इस चाल चित्र का जो साइड वाले पोर्शन में नॉर्थुकी जैसे देखिए नॉर्थुकी का शेप में फिगर बनाया गया है,
बहुत ही खूबसूरत। और मूर्ति के पीछे जो देखिए गाइस कलरफुल फ्लावर्स देखिए ऐड किया गया है, मतलब बनाया गया है, पूरा मिट्टी का काम है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और माँ काली का जो फेस है गाइस देखिए बहुत ही शानदार। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप लोग देखते रहिए मूर्ति, कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन टॉप नॉच, देखिए शानदार सा देखिए ये वाले मूर्ति बहुत ही खूबसूरत। स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है मूर्ति में, हर एक मूर्ति में बहुत ही यूनिक बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन देखिए। तो ये वाले मूर्ति देखिए पीछे आपका शिव भगवान का एक फेस जैसे कि दिया गया है, देखिए इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मूर्ति काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और देखिए गाइस शिव भगवान का जटा के ऊपर गंगा माँ देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है। देखिए भाई भैया भी कॉल का जो डिज़ाइन होता है गाइस देखिए पेंटिंग चल रहा है कि पीछे से आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो आग निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन एकदम रियलिस्टिक लग रहा है गाइस जैसे कि देख पा रहे हो। देखिए कोलका का डिज़ाइन चल रहा है, पर्पल और पिंक कलर का कम्बिनेशन देखिए साड़ी में रखा गया है और मूर्ति का कलर है आपका स्काई कलर का, बहुत ही शानदार। मेरे सामने ये वाला जो मूर्ति आप लोग देख पा रहे हो देखिए बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी टेलिंग है जैसे कि आप देख पा रहे हो। देखिए ऊपर कृष्णा भगवान और जो आप देखिए काली माता का ऊपर जो एक राक्षसी आप लोग देख पा रहे हो उसका नाम है पूतना, तो कृष्ण ठाकुर बहुत किया था गाइस पूतना को। देखिए बहुत ही शानदार से कंसेप्ट ये वाले मूर्ति पे देखिए बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। नीचे आपका काली मूर्ति देखिए गाइस, काली पूजा में काली मूर्ति तो आप लोग देख ही पाओगे, बट ऐसा स्टोरी टेलिंग अगर रहेगा एक ही मूर्ति में एक ही चाला के साथ तो बहुत ही शानदार बन जाता है। नीचे आपका शिव भगवान जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत गाइस देखिए ये वाले मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक बार मैं बता रहा हूँ बहुत ही शानदार देखिए गाइस फिनिशिंग किया गया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत मूर्ति का जो साड़ी देखिए गाइस आपका रानी कलर और पर्पल कलर में साड़ी का कॉम्बिनेशन बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत गाइस लग रहा है देखिए। ये वाले काली मूर्ति जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही शानदार लग रहा है, देखिए ये वाले मूर्ति का कॉम्बिनेशन देखिए ये थोड़ा पिंक कलर का थोड़ा अलग टाइप का कॉम्बिनेशन जैसे कि दिया गया है, नीचे येलो कलर का कॉम्बिनेशन और साइड में देखिए गुलाब का जो फूल होता है गाइस गुलाब फूल देखिए पूरा वैसा ही डिज़ाइन का बनाया गया और बहुत ही शानदार मुखोश्री के साथ ये वाला मूर्ति इस बार बहुत ही शानदार लग रहा है गाइस देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए ये वाले मूर्ति का जो कलर कॉम्बिनेशन गया साड़ी का शादा पारस साड़ी जैसे कि होता है देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, शादा लाल पारस साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे शिव भगवान जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यूनिक स्टाइल का है, नॉर्मली शिव भगवान सोया रहता है बट इधर देखिए गाइस शिव भगवान अभी इधर साइड में बैठा हुआ है, देखिए बहुत बहुत खूबसूरत गाइस ये वाला काली प्रतिमा का फेस और चाल चित्रों का देखिए कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया। इस वाले मूर्ति का थोड़ा अलग ही रौनक है, देखिए आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो पोरा माटी जैसा पीछे रहता है, थोड़ा लाइट कलर का पोरा माटी का जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है पीछे चाल चित्रों का कलर कॉम्बिनेशन पूरा वैसा ही दिया गया है। देखिए गाइस साड़ी पूरा आपका रेड कलर का साइड से उड़ रहा है, पहाड़ आपका पूरा पर्पल बनाया गया है और पीछे देखिए कितना शानदार सा विंग्स बनाया गया है जो कि आपका व्हाइट और स्काई कलर का मतलब ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन में देखिए पंख 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 बनाया गया है, चिड़िया का जो पंख रहता है काली माँ का जो पीछे आप लोग देख पा रहे हो। और देखिए इधर काली माता का फेस बहुत ही शानदार लग रहा है, इस तरफ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए गाइस काली माँ देखिए हवा में जैसे कि उड़ रही है, देखिए पंख दिया गया है और देखिए गाइस इधर गणेश जी उसके बाद एक शिवलिंग
और नीचे देखिए गाइस शिव भगवान, बहुत ही शानदार सा एक कंसेप्ट आप लोग देख पा रहे हो इस वाले मूर्ति का। देखिए गाइस काली माँ, देखिए गाइस बहुत ही शानदार लग रहा है, देखिए बहुत ही शानदार। लाइन से अगर आप लोग देखोगे बहुत सारा मीडियम साइज का शाबे की मूर्ति जैसे कि रखा गया है, ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सब मूर्ति ऑर्डर हो चुका है गाइस, देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो चोखुदान हो चुका है मूर्ति का, जैसे कि देख पा रहे हो बहुत ही शानदार। देखिए एक आपका काली ठाकुर का जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो वाला मूर्ति बन गया है, मेरा काफी फेवरेट है गाइस। देखिए जैसे कि ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए दर्शकों एक स्पेशल मूर्ति जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप तो बहुत सारा मूर्ति देख लियो, बट इस वाले मूर्ति में देखिए गाइस काली माँ को पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत ही शानदार जैसे कि लग रहा है गाइस। सादा और लाल पार का साड़ी में देखिए गाइस ड्रैगन बनाया गया है, चाइनीज एंशियंट जो चाइनीज स्टोरी टेलिंग में गाइस ड्रैगन रहता था, देखिए गाइस एक रेड कलर का ड्रैगन और एक ब्लू कलर का ड्रैगन, पर्पल कलर का ड्रैगन बनाया गया है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी बहुत सारा देखिए ड्रैगन में फिनिशिंग टच अभी बहुत सारा बाकी है, तो और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए गाइस हे गाइस आप लोगों को मैं साउथ दमदम कुमारटुली मतलब आरएन वो रोड में जैसे कुमारटुली है गाइस, बहुत सारा काली प्रतिमा प्रिपरेशन चल रहा है, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूँ गाइस काली मूर्ति देख करके। आप लोगों को शायद ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आशा करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, ऑल इन वन इस वीडियो में आप लोगों को सब मिल जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट आ रहा है बहुत जल्द, तो आप लोग प्लीज स्टे ट्यून टू बॉनी ब्लॉग्स। एनीवेज गाइस स्टिल स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हियर बॉनी ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।